हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आज मैं तैयार हो रही हूँ रिसेप्शन पे जाने के लिए। तो आज का व्लॉग कोई व्लॉग नहीं होने वाला, आज का वीडियो होने वाला है मेकअप से रिलेटेड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं रिसेप्शन में जाने के लिए कैसे रेडी हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया हुआ था टोनर। टोनर लगाने के बाद यहाँ पर लगा लिया है मैंने सीरम और अच्छे से अपने फेस पे ऑब्जर्व होने दिया है। आज मेरे पास तैयार होने के लिए बहुत सारा टाइम था, इसलिए मैं बहुत आराम से तैयार हो रही थी, बट वीडियो को मैंने बहुत ही फास्ट कर दिया है। अब यहाँ पे लगा रही हूँ मैं अपने फेस में मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाना फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने अच्छे से आप अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करोगे ना, उतने ही अच्छे से आपका मेकअप फटेगा नहीं और बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा। मॉइस्चराइज़र फेस पे अच्छे से लगाने के से फेस में ग्लो अपने आप ही आ जाता है, जो कि आप देख सकते हो कि मेरे भी फेस में ग्लो नज़र आ रहा होगा। जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं डेली इतना ज़्यादा तैयार हो के नहीं रहती, इसलिए जब भी मुझे तैयार होने का टाइम मिलता है मैं बहुत अच्छे से रेडी होती हूँ। अब यहाँ पर लगा लिया है मैंने अपने फेस में प्राइमर। मैंने आज तक की कभी मैं मेकअप फिक्सर नहीं लिया है, तो इसीलिए मैं अपने फेस पे प्राइमर लगा लेती हूँ ताकि मेकअप लॉन्ग टाइम चल सके। लगा रही हूँ मैं कंसीलर। कंसीलर मेरे आँखों के पास लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा जो डार्क सर्कल होता है वो कभी जाता ही नहीं है, हमेशा मेरे फेस पर डार्क सर्कल होते ही हैं। गाइज़, अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन होगा डार्क सर्कल हमेशा के लिए भगाने का, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अभी की वीडियो नहीं है, ये वीडियो लास्ट मंथ की है, और फिलहाल अभी मेरी तबीयत मौसम के कारण ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं अभी डेली व्लॉग नहीं बना पा रही और शॉर्ट्स पे भी मैं रेगुलर नहीं हूँ। वरना मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ मैं शॉर्ट्स ज़रूर डालते रहती हूँ। तो मैंने लगा लिया है यहाँ पर कंसीलर जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क लग रहा था फेस पे। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन हाथ में लेके डॉट डॉट करके ही लगा लेती हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैंने कभी मेकअप सीखा ही नहीं है। जितने भी मेरे पास मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने वन बाय वन मैंने मंगाया है। जब भी मुझे पता चलता था कि फेस पे ये भी लगाते हैं तो मुझे लगता था अरे ये कैसे यूज़ करते हैं, तो फिर मैं उसे ऑर्डर कर लेती थी। तो इस तरह से मैंने अपने सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स इकट्ठे किए हैं। पहले तो मुझे आईलाइनर भी अच्छे से लगाना नहीं आता था, बट मैंने धीरे धीरे बिगाड़ बिगाड़ के ट्राई कर कर के मैंने अब परफेक्ट आईलाइनर लगाना सीख लिया है, और फाउंडेशन कंसीलर भी मैं अपने हिसाब से ही लगा लेती हूँ। इतने दिनों में मुझे मेकअप यूज़ करते करते ये तो समझ आ गया कि मेकअप लगाने से पहले आपको अपने फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है जो पाउडर है वो फटे ना, मीन्स केकी केकी सा ना हो जाए। तो मेकअप में इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लग चुका है फाउंडेशन, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इवन लग रहा है मेरी स्किन टोन। फाउंडेशन के बाद अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। वैसे तो पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं लास्ट में लगाती हूँ लूज़ पाउडर, बट अभी कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ जिससे कि फाउंडेशन थोड़ा सा सेट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ आई शेडो, जो कि मेरे पास बहुत क्यूट सा छोटा सा आई शेडो पैलेट है, जो कि आप देख सकते हो। गाइज, मेरे फेस को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन मेकअप करते समय ऐसा फेस बनाता है, बट मेरा फेस हमेशा ऐसा बन ही जाता है। मुझे पहले समझ नहीं आता था, बट जब भी मैं मेकअप का वीडियो बनाती हूँ तब मुझे समझ आता है कि मैं कुछ भी अप्लाई करते समय कैसा फेस बनाती हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर फिंगर से बहुत ही अच्छे से मैंने टैप टैप करके आई शेडो लगा ली है और हाथ से ही ब्लेंड कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो कि लग चुका है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड सो के उठ चुके थे, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए वो कैमरे के सामने आ गए थे और मुझसे बातें कर रहे थे।
एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को भी लगता है जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत शांत रहते हैं, तो वो सिर्फ व्लॉग में ही शांत रहते हैं, बट ऐसे शांत नहीं रहते हैं। हम घर पे पूरे टाइम मस्ती करते रहते हैं। फिर मैंने अपने पतिदेव जी को चाय बना के दी, क्योंकि उनके चाय का टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मेकअप बंद कर दिया था। अब मैं फिर से मेकअप करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब लगा रही हूँ यहाँ पर मैं आईलाइनर। तो आप लोगों को पता ही है कि आईलाइनर लगाने के लिए कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आईलाइनर थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो फिर मेकअप पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आईलाइनर लगाते समय मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती। आईलाइनर मेरा बहुत अच्छे से लग चुका था। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मस्कारा। फिर यहाँ पर लगाने लगी हूँ मैं सिंदूर। और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, जो कि आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही डार्क कलर की, रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कौन से कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। लिपस्टिक लगाने के बाद फिर किया मैंने अपने आईब्रोज को फिल, क्योंकि मेरी जो आईब्रोज है ना वो स्टार्टिंग में थोड़ी लाइट सी है, तो इसलिए मैं जब भी फुल मेकअप करती हूँ तो मैं आईब्रो को भी फिलअप ज़रूर कर लेती हूँ। आईब्रो फिल करने के बाद मैंने लगा लिया है काजल, जो कि मेरे मेकअप को देगा कंप्लीट लुक। और आप लोग भी बताना कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। तो गाइज मेकअप तो डन हो चुका है, अब बारी है ड्रेस चेंज करने की। तो ये है मेरी ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की साड़ी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को साड़ी कैसी लगी। तो साड़ी के हिसाब से ही मैंने मेकअप किया है, जो कि एकदम रेड कलर की लिपस्टिक हो चाहे आई शेडो हो, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे। तो मैंने बैंगल्स चेंज कर लिए हैं। अब यहाँ पे पहन रही हूँ मैं अपना मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र से ही रिलेटेड मेरे हैं ईयरिंग्स, जो कि मुझे थोड़े से बड़े लग रहे थे, बट क्योंकि फैमिली फंक्शन है, मीन्स मेरे घर के ही भाई के शादी का रिसेप्शन है, तो इतना तो तैयार होना बनता ही है। गाइज मेरे साथ हमेशा एक ही प्रॉब्लम होती है कि मैं मेकअप तो कैसे भी कर ही लेती हूँ, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि मुझे बाल बनाना नहीं आता। मेरा लुक हमेशा बाल के कारण ख़राब हो जाता है। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये है मेरी मम्मी, और पीछे बैठा हुआ था मेरा भाई, और अब आ गए हैं मेरे भाई और भाभी। देन ये है मेरी छोटी बहन। आई होप गाइस कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।